हेलो एवरीवन, आई एम साकेत बाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द सेवेंथ लेक्चर ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद ग्राफ्स। चलिए बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक है ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि एक्सटी ग्राफ किस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डीएक्स बाई डीटी होता है ना, और वेलोसिटी तो इस बार कांस्टेंट है। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, डीएक्स बराबर क्या आ जाएगा? वी डीटी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बात? अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं, तो वी तो कॉन्स्टेंट आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? वी टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डीटी। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग लिमिट अगर पुट करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए बच्चों, t इक्वल टू जीरो पर मान लेते हैं कि जो पोजीशन थी इनिशियल वो थी x1। ठीक है, और किसी t टाइम पर मान लेते हैं कि पोजीशन हो गई x। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी। और यहां से बच्चों हम लोग क्या देख सकते हैं, हमारे पास x क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा x1 प्लस vt के बराबर। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन निकाल ली। क्लियर है ये बात? तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो v ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या तो v लेस देन जीरो हो सकता है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक केस में क्या होगा, अगर v ग्रेटर देन जीरो है तो x टाइम के साथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और अगर v लेस देन जीरो है तो x जो है वो टाइम के साथ क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों अगर हम लोग वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की बात करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है ना, और वो तो हमने कॉन्स्टेंट माना इस बार, तो इसलिए vt ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन वो पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस आएगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग अगर फाइनली at ग्राफ की बात करें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी हमने कांस्टेंट मानी है, इसलिए आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कैसा आ रहा है, वो जीरो आ रहा है हमेशा। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। क्लियर है बात? मतलब इस बार जो है एक्सेलरेशन है और वो यूनिफॉर्म है। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग लगा सकते हैं, राइट? तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू, है ना, एस इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये जो एस है वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मतलब किसी टी टाइम पर मान लीजिए पोजिशन एक्स हो गई, और मान लीजिए इनिशियल पोजिशन एक्स वन थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ रही है, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब ये जो x है वो डायरेक्टली हमें किसी t टाइम पर की पोजीशन बता रहा है। ठीक है, और v बराबर यू प्लस ए टी तो हम लोग लगा ही सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास आया था। क्लियर है ना? तो हमें इसका ग्राफ बनाना था, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए dx by dt इक्वल टू देखेंगे, तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है ए टी प्लस यू के बराबर, है ना, और ये आना भी चाहिए था क्योंकि v बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो ये चेक करते हैं कि ये जीरो कहां पर हो रहा है। क्लियर है बात? तो ये जीरो हो रहा है एट टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी, तो t आ जाएगा माइनस यू अपॉन ए पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग अलग अलग u और a को पुट करके, x1 को पुट करके वेराइटी के ग्राफ हासिल कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने दो एग्जाम्पल लिए है ना, जो दो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहां पर, कि जो पहला एग्जाम्पल है ना, जो पहला एग्जाम्पल है इसमें आप देखिए कि इनिशियली है ना, इनिशियली हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो स्लोप है वो कैसा आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? अगर इनिशियली आप है ना t इक्वल टू जीरो पर इस ग्राफ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो टेंजेंट बनी उसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब कि पहले वाले एग्जाम्पल में
यू जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, क्लियर है ये बात। लेकिन चूंकि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहां पर माइनस यू अपॉन ए ये जो टर्म आ रहा है ये कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है ना। तो हम लोग इस तरीके का ग्राफ देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल में, जिसमें यू नेगेटिव है और ए कैसा है, ए जो है वो पॉजिटिव है, क्लियर है ये बात। और इसमें जो इनिशियल पोजीशन है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो भी कैसी है, वो पॉजिटिव दी हुई है। तो अलग अलग एक्स वन यू ए के करस्पॉन्डिंग हम लोग अलग अलग तरीके के ग्राफ हासिल कर सकते हैं, और उनमें ये दो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पर देखा। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें आप देखिए खासियत क्या है कि जो इनिशियल स्लोप है ना, टी इक्वल टू जीरो पर अगर आप टेंजेंट बना रहे हैं तो इनिशियल स्लोप कैसा आ रहा है इस टेंजेंट का, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर है। तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यू कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक एक्सटी ग्राफ में डीएक्स बाई डीटी है ना, यही तो हमारे को क्या देता है, इनिशियल वेलोसिटी देता है अगर टी इक्वल टू जीरो पर आपने स्लोप देखा है तो, क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस यू अपॉन ए पॉजिटिव है, तो ऐसा कब होगा, जब ए जो है वो कैसा है, नेगेटिव आए। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखे, पहले एग्जाम्पल में जो एक्स वन है वो पॉजिटिव है, यू जो है वो नेगेटिव है और ए जो है वो पॉजिटिव है, और जो दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा उसमें एक्स वन पॉजिटिव है, यू भी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्लियर ये बात। अब देखिए बच्चों अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखना चाहें तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं यहां पर कि इक्वेशन कौन सी यूज होगी, वी बराबर यू प्लस एटी वाली इक्वेशन यूज होगी, है ना। और यहां पर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्लियर है ये बात। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो बहुत ही आसान है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो टाइम की एक्सिस के ऊपर होगा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो टाइम की एक्सिस के नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों तो अब ग्राफ के ऊपर एक सवाल देखते हैं। सवाल है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 19.6 मीटर्स पर सेकेंड, द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, ड्रॉ द वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो देखिए बच्चों जैसा कि हम लोग सवाल देख पा रहे हैं, हमें सबसे पहले सवाल में गिवन डेटा लिख लेना चाहिए। जैसे u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 19.6 मीटर्स पर सेकेंड लिखेंगे। एक्सेलरेशन हमें कितना लिखना चाहिए, तो वो हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा माइनस जी के बराबर, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर ये बात। अब देखिए बच्चों यहां पर हमारे को सबसे पहले वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन लिख देते हैं ना। तो चूंकि इनिशियल लोकेशन y इक्वल टू जीरो है, तो इसीलिए हम लोग किसी भी टाइम t पर है ना, जो y कोऑर्डिनेट है वही डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ut टी माइनस हाफ इन टू जी टी स्क्वायर, क्लियर ही बात। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जा रहा है 19.6 इंटू टी माइनस हाफ इन टू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां से देखिए बच्चों y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास क्या आ गया, 19.6 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब जरा देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो dy बाई डी टी है ना, dy बाई डी टी जो है वो कितना आ रहा है, तो वो आ जा रहा है बच्चों 19.6 माइनस ट्वाइस ऑफ 4.9 टी, मतलब कि 9.8 टी के बराबर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो dy by dt है ये जीरो कब हो रहा है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमें ये भी याद होना चाहिए कि dy by dt बेसिकली क्या है, वो तो वेलोसिटी है ना। तो हमारे को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन भी देखिए यहां से मिल चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों ये हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ आ गया है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि t इक्वल टू 2 पर जो है, जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि t इक्वल टू 2 पर dy बाई dt क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि स्लोप जो है इस ग्राफ का जीरो है एट t इक्वल टू 2, है ना। और उस समय तक जो है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, तो
तो ये निकालना बहुत आसान है ना। हम लोग यहाँ पर टी की वैल्यू जो है 2 पुट करके देख सकते हैं, तो वाई की वैल्यू एट टी इक्वल टू 2 कितना आ जा रहा है, तो 19.6 इंटू 2 माइनस 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहां से क्या देख पा रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा, तो ये देखिए बच्चों आ जा रहा है 19.6 मीटर के बराबर। तो यही डेटा जो है ना 19.6 मीटर का यहां पर शो हो रखा है, मतलब कि टी इक्वल टू 2 पर वाई की वैल्यू कितनी है 19.6 है। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल मोशन होगा, तो टी इक्वल टू 0 से 2 टाइम लगा इसे ऊपर जाने में, तो 2 से 4 टाइम लगेगा इसे नीचे आने में। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोगों ने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन जो है वो ये डिराइव करी थी। क्लियर है? तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो वीटी ग्राफ बनेगा वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होगा ना, और t इक्वल टू 0 पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो 19.6 है। ठीक है, और t इक्वल टू 2 पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कनेक्ट करते हुए यहां पर ग्राफ बनाया। इसके अलावा बच्चों मोशन की सिमेट्री को देखते हुए हम लोग समझ सकते हैं कि t इक्वल टू 4 पर है ना वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस 19.6, मतलब कि स्पीड तो सेम हो जाएगी, बस डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो हमेशा ही कांस्टेंट है और वो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू होगी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमसे पूछा जाता तो वो किस तरीके का बनाते। तो देखिए बच्चों जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा था, तो वो एक पैराबोला था, लेकिन बच्चों डिस्टेंस जो है वो कभी भी कम नहीं हो सकता ना, तो t इक्वल टू 2 के बाद हमारे को क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू 2 के बाद हमारे को है ना ये जो मैं अभी बना रहा हूं लाइन, इसको मिरर मानते हुए ना, इसे मिरर मानते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्राफ जो नीचे जा रहा था उसका रिफ्लेक्शन ऊपर लेना होगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो t इक्वल टू 2 के बाद क्या होगा, वो बढ़ता ही जाएगा, और t इक्वल टू 4 तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो बॉल है वो फाइनली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 39.2 मीटर्स। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए आपसे स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ पूछा जाता, तो आपको क्या करना था, जो नेगेटिव वाला रीजन है ना उसका आपको क्या करना होगा, मिरर इमेज लेना होगा। क्लियर है? तो अगेन इस बार हमारे को टाइम की एक्सिस को मिरर मानते हुए इसका रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि t इक्वल टू 4 पर जो स्पीड है वो वापस से कितनी हो जाएगी, 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वही तो स्पीड होता है। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल इंटीग्रेशन इन मोशन एनालिसिस। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम टी का ग्राफ हो, तो देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन होता क्या है, तो वो डीवी बाय डीटी होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, डीवी बराबर एडीटी, और अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है वो क्या आ जाता है, अगर आप लिमिट पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और किसी टी टाइम पर है ना, टी वन टाइम पर मान लेते हैं जो वेलोसिटी हो गई वो वी वन हो गई। ठीक है, टी नॉट टाइम पर वेलोसिटी वी नॉट थी और टी वन टाइम पर वेलोसिटी वी वन हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है वी वन माइनस वी नॉट। क्लियर है ये बात? तो वही देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जा रहा है, वी वन माइनस वी नॉट आ जा रहा है, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? और राइट हैंड साइड में क्या आ जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी फ्रॉम टी नॉट टू टी वन, और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी फ्रॉम टी नॉट टू टी वन जो है वो इस ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो ये इस एरिया को करेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है वो हमारे को क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। क्लियर है ये बात? इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को एनालाइज करें, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है डी एक्स बाय डी टी। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एक्स बराबर वी डी टी आ जा रहा है। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करें और टी इक्वल टू टी नॉट पर मान लीजिए पोजिशन एक्स नॉट थी और किसी टाइम टी वन पर मान लीजिए पोजिशन एक्स वन हो गई, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जा रहा है, देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जा रहा है एक्स वन माइनस एक्स नॉट, जो कि क्या बन जा रहा है, जो कि चेंज इन पोजिशन बन जा रहा है ना, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। राइट?
तो वही देखिए बच्चों, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जा रहा है एक्स वन माइनस एक्स नॉट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, मतलब कि चेंज इन द पोजिशन. और राइट हैंड साइड में क्या जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी फ्रॉम टी नॉट टू टी वन. क्लियर ही बात. तो इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या समझ पा रहे हैं कि अगर ये ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का, तो इस ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो एरिया अंडर द ग्राफ है फ्रॉम टी नॉट टू टी वन, वो हमारे को है ना क्या दे दे रहा है, वो हमारे को डिस्प्लेसमेंट दे दे रहा है. क्लियर है ये बात. चलिए बच्चों, तो ग्राफ के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं. सवाल है, फिगर शोज द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अब देखिए बच्चों, हमारे पास चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 times. तो सबसे पहले इसे देखते हैं. तो देखिए बच्चों, हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है dx बाई dt. अब रेस्ट पे आने का मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे आने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, जीरो हो गई. तो हम लोगों को ये चेक करना है कि इस ग्राफ में है ना ये जो xt ग्राफ है इसका स्लोप कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है. तो एक बार देखिए यहां पर जीरो होगा, एक बार यहां पर जीरो होगा, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बिल्कुल इस जगह पर और एक यहां पर, है ना. तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो 6 बार जो हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या बोला गया है, द मैक्सिमम स्पीड इज एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड. ठीक है, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है डीएक्स बाई डीटी. तो हमारे को ये चेक करना है ना कि जो स्लोप है एक्स टी ग्राफ का वो कहां पर मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने टी इक्वल टू 6 पर टेंजेंट बना करके उसका स्लोप चेक करा, लेकिन मुझे एक ऐसा पॉइंट भी दिख गया जो कि अराउंड 3 सेकेंड पर आ रहा है, जहां पर मैं देख पा रहा हूं कि स्लोप जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा है. तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो t इक्वल टू 6 पर तो नहीं आ सकती है, क्योंकि उससे ज्यादा स्पीड वाला पॉइंट तो मुझे और भी मिल रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों लोग समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है वो तो गलत हो गया. अब ऑप्शन सी को देखते हैं. तो इसमें लिखा है वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड. तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो स्लोप है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि मैं इस टाइम पर है ना ग्राफ पे गया और यहां पर टेंजेंट बनाया. तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है ना, ये ऑब्वियस है कि टाइम की एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है. तो हमारे को ये समझ पा रहा है कि टी इक्वल टू 6 तक हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. क्लियर ही बात. अब देखिए बच्चों, हम लोग आ जाते हैं आखिरी ऑप्शन में, जिसमें क्या कहा गया है, द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव. तो देखिए बच्चों, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने यहां पर क्या करा, मैंने ये देखा कि जो एक्स इनिशियल है वो तो ये रहा और जो एक्स फाइनल आया वो कहीं यहां पर आ रहा है. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव. क्लियर है ये बात. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल दैट इज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो उसे टाइम इंटरवल डेल्टा टी से अगर डिवाइड भी कर देंगे तो भी वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आएगा. और यही तो क्या होता है, यही होता है एवरेज वेलोसिटी. तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं. अगला सवाल है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन फिगर. फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजिशन बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजिशंस ए एंड बी हैज द सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी. तो देखिए बच्चों, यहां पर जो हमारे को शो कर रखा है ना, वो एक्चुअली ओरिजिनल पाथ शो कर रखा है जिसके अलोंग वो पार्टिकल जो है वो सचमुच में जा रहा है. क्लियर ही बात. तो आप समझ सकते हैं कि ये वो रास्ता है जिसके अलोंग पार्टिकल जो है वो जा रहा है. क्लियर ही बात. अब हमसे बोला गया है कि कौन सी वो पोजीशन बी होगी, है ना, कौन सी वो पोजीशन बी होगी सच दैट कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी अगर आप देखें, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी देखें, तो दोनों की डायरेक्शन सेम आए. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो बी पॉइंट है उसे कहीं यहां पर होना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट की खासियत ये है कि यहां पर है ना, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए या फिर ए और बी को कनेक्ट किया जाए,
तो दोनों ही डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल क्या आ रही है, सेम आ रही है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। क्लियर ही बात। तो ऐसा क्यों हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं कि ए बी और बी पॉइंट पर टैंजेंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में आए? ऐसा इसलिए क्योंकि ए बी जो है वो बेसिकली क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ही तो डायरेक्शन में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ही डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आता है। क्लियर है। और बी पॉइंट पर अगर मैं टैंजेंट बना रहा हूं तो उसी की डायरेक्शन में क्या आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आता है। क्लियर है ये बात। तो इसलिए हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि ये बी पॉइंट कहीं यहां पर होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो बी पॉइंट की लोकेशन है वो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, कहां पर आ रही है, एक्स इक्वल टू फाइव पर आ रही है, और वाई की वैल्यू जो है वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कितनी आ रही है, थ्री आ रही है। ठीक है। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5, 3। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड, एंड द फर्स्ट पार्ट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 seconds, एंड द सेकेंड पार्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 and 12 seconds। तो देखिए बच्चों, पहले पार्ट में हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए पहले। तो t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल x इक्वल टू जीरो पर था, और t इक्वल टू 10 पर आप देख पा रहे हैं कि पार्टिकल x इक्वल टू 100 पर आ गया। तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हमारे को चाहिए होगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है। अब डेल्टा x कितने का आ गया, तो 100 का आ गया। ठीक है ना। अपॉन टाइम कितना लगा इसे, तो 10 सेकेंड्स लगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हमारे को पार्ट टू में निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 and 12 seconds। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख पा रहे हैं बच्चों कि t इक्वल टू जीरो से लेकर के t इक्वल टू 2.5 तक है ना, ये जो पार्टिकल है उसका मोशन कैसा है, उसका मोशन यूनिफॉर्म है। क्लियर है ये बात। क्योंकि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है लेट अस से थीटा वन, वो क्या है, t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू 2.5 तक कॉन्स्टेंट है। क्लियर है। तो अगर हम लोग ये निकाल लें कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो वही तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, और 0 से 2.5 सेकंड तक हर समय वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहेगी। ठीक है। तो t इक्वल टू 2 पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पर tan थीटा 1 अगर हम लोग निकाल लें तो वो हमारा जवाब आ जाएगा। तो tan थीटा 1 कितना आ जाएगा, तो देखिए परपेंडिकुलर है 50 और बेस है 2.5, तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे, 50 अपॉन 2.5। तो ये देखिए कितना आ जा रहा है, 20 meters per second। तो t इक्वल टू 2 पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 20 meters per second है, और साथ ही साथ ये भी समझ पा रहे हैं हम लोग कि 0 से लेकर के 2.5 सेकंड तक हर समय वेलोसिटी कितनी है, 20 meters per second ही है। ऑलराइट। इसके अलावा बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि t इक्वल टू 2.5 से लेकर के t इक्वल टू 7.5 तक पार्टिकल की पोजिशन हमेशा 50 है ना, मतलब वो पोजीशन अपनी चेंज कर ही नहीं रहा है। राइट। तो इसका मतलब t इक्वल टू 5 पर अगर हम लोग देखेंगे तो पार्टिकल उस समय भी क्या है, रुका हुआ है। ठीक है। तो t इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, t इक्वल टू 7.5 से लेकर के t इक्वल टू 10 के बीच में है ना, फिर से हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि इस बार भी स्लोप क्या है, लेट अस से कि एंगल थीटा 2 है, तो ये एंगल क्या आ रहा है, हमेशा कॉन्स्टेंट आ रहा है t इक्वल टू 7.5 से लेकर के 10 तक। तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि फिर से पार्टिकल जो है वो इस पूरे के पूरे टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है। तो अगर बच्चों हमारे को t इक्वल टू 8 पर वेलोसिटी निकालनी है तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब tan थीटा 2 कितना आ जा रहा है, तो देखिए परपेंडिकुलर तो कितना हो गया, 100 minus 50, दैट इज 50 हो गया, और बेस कितना हो गया, तो वो 2.5 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50 अपॉन 2.5। क्लियर है। और जो कि कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकंड के बराबर। ठीक है। अब फिर से देखिए बच्चों, t इक्वल टू 10 से लेकर के t इक्वल टू 15 सेकंड तक फिर से पार्टिकल का मोशन कैसा है, हमेशा यूनिफॉर्म है ना, सेम वेलोसिटी से ये पूरे के पूरे टाइम ट्रेवल कर रहा है। क्लियर ही बात। तो यहां पर हम लोग फिर से कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, इसका जो स्लोप होगा वही हमारे को वेलोसिटी देगा, तो इसे मैं थीटा 3 कह देता हूं। तो tan थीटा 3 जो है वो कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग ये वाले एंगल का स्लोप निकाल लें और उसमें सिर्फ नेगेटिव लगा दें तो हमारे को tan थीटा 3 मिल जाएगा। ठीक है।
तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए फाई कॉल कर रहा हूँ तो टैन फाई कितना हो जाएगा, तो टैन फाई हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर 100 है अपॉन बेस कितना है 5 है ना, तो ये आ रहा है 20। तो इसके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि टैन थीटा 3 कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा -100/5, मतलब कि -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, वो -20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन फिगर, एट टाइम टी इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर्स पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारे को ये पता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी होता है, मतलब हमारे को है ना साइंड एरिया चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर ये एरिया हम लोग निकाल रहे हैं तो ये एरिया के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और जब ये एरिया निकालेंगे तो इस एरिया के साथ हमारे को नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर है, तो अगर ये पूरा का पूरा हम लोग साइन के साथ एरिया जब ले रहे हैं है ना, तो वो हमारे को क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, साइन के साथ ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है। क्लियर है ये बात, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एरिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, जो सबसे पहला एरिया है वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 1/2 × 6 × 10 के बराबर, मतलब कि 30 आ रहा है। और जो दूसरा एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, पहले मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूं और फिर एरिया निकालता हूं, तो ये आ जाएगा 1/2, अब यहां पर देखिए बेस कितना है, तो 6 और 10 के बीच में ये 4 हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट कितनी है, तो ये है 20/3, तो यहां पर मैं 20/3 लिख देता हूँ। क्लियर है बात, तो यहां से ये देखिए कितना आ जाएगा 40/3। ठीक है, तो यहां पर एरिया हम लोग कितना लिखेंगे, 30 - 40/3 के बराबर। क्लियर है बात, तो यहां से देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 10 ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 + 30 - 40/3 के बराबर। अब देखिए बच्चों इनिशियल वेलोसिटी हमारे को कितनी दे रखी है, 8 मीटर्स पर सेकेंड दे रखी है। क्लियर है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 8 + 30 - 40/3। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 - 40/3 के बराबर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 3 × 8 = 24, और 3 × 3 = 9 और 2 = 11 है ना, 114 - 40 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जा रहा है देखिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 74/3 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बिलो, ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड पोजिशन टाइम ग्राफ गिवन दैट एट टी इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट ओरिजिन। तो देखिए बच्चों यहां पर हमारे को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ दे रखा है, और उसकी मदद से हमारे को एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ से हमारे को इस ग्राफ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर है, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वाई बराबर MX + C है ना, स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ है, यहां पर वाई का रोल कौन प्ले कर रहा है, वी, स्लोप का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर 135 डिग्री है, तो यहां पर स्लोप कितना आ जाएगा, टैन ऑफ 135 डिग्री, जो कि कितना होता है, -1 होता है। यहां पर एक्स एक्सिस पे क्या है, तो टाइम है, और सी क्या होता था, तो वो वाई इंटरसेप्ट होता था, जो कि कितना है इस ग्राफ के हिसाब से 4 है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले वी इज इक्वल टू -T + 4। क्लियर है, तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग अगर एक काम करें, डिफ्रेंशिएट कर दें इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे को एक्सेलरेशन दे देगा, और वो कितना आ रहा है, वो हम लोग देख पा रहे हैं -1 के बराबर आ रहा है। क्लियर है ये बात, और अगर हम लोग एक और काम करें कि वी को अगर लिख दें dx/dt, तो ये कितना आ जाएगा, -T + 4। अब यहां से dx बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -T + 4 dt के बराबर। अब अगर हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, और हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पर x बराबर 0 है, और लेट अस से किसी t टाइम पर x हो गया है ना, पोजीशन जो है वो x हो गया, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -T² / 2 + 4t के बराबर। ठीक है, तो यहां पर बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बना लेते हैं, तो वो बनाना तो बहुत आसान है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्लियर है ये बात,
अब लेकिन बच्चों, अगर हम लोग पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वो हम लोग देख पा रहे हैं कि x बराबर क्या आ गया है, x बराबर आ गया है माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस फोर टी के बराबर। ठीक है, तो अब जरा सोचते हैं बच्चों कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले dx by dt कर लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस टी प्लस फोर के बराबर। और ये जीरो कब आ रहा है, ये जीरो आ रहा है एट टी इक्वल टू फोर, है ना। तो लिख देते हैं जीरो एट टी इक्वल टू फोर। तो अब देखिए बच्चों, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, है ना। हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू एट t इक्वल टू जीरो वो कितनी है, वो तो जीरो है, और x की वैल्यू एट t इक्वल टू फोर वो कितनी आ जाएगी, तो माइनस फोर का स्क्वायर अपॉन टू प्लस फोर इंटू फोर। तो ये कितना आ जा रहा है, तो 16 माइनस एट दैट इज 8 मीटर्स आ जा रहा है। तो हम लोग वही देख पा रहे हैं कि t इक्वल टू फोर पर स्लोप भी जीरो है और पोजिशन 8 आ रही है, और t इक्वल टू जीरो पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पार्टिकल ओरिजिन पर था। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द ग्राफ शोन हियर, ड्रॉ द एक्सेलरेशन पोजिशन ग्राफ। तो मतलब हमारे को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, और इसकी मदद से हमारे को क्या बनाना है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन का ग्राफ। तो देखिए, पहले तो हमारे को इस ग्राफ से क्या निकालनी होगी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की इक्वेशन, है ना। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह ये स्ट्रेट लाइन है। यहां पर वाई का रोल कौन प्ले कर रहा है, वी प्ले कर रहा है। स्लोप कितना है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है, लेट अस से कि ये थीटा है, तो हमारे को टैन थीटा चाहिए। लेकिन टैन थीटा निकालने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, टैन थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, टैन थीटा को माइनस ऑफ टैन फाई लिख सकता हूं, राइट। तो टैन फाई कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। तो टैन थीटा कितना आ गया, माइनस टाइम्स वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। तो स्लोप कितना आ गया बच्चों, तो वो आ गया माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। और एक्स एक्सिस पर हम लोग देख पा रहे हैं एक्स ही है ना, तो यहां पर तो ये एक्स ही है हमारे पास। और जो वाई इंटरसेप्ट है बच्चों, वो कितना है, तो वाई इंटरसेप्ट आप देख पा रहे हैं कि वो वी नॉट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली, वेलोसिटी बराबर माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। क्लियर है यहां तक। अब देखिए बच्चों, हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ चुका है ना, हमारे पास क्या आ गया है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वो होता है वी डीवी बाय डीएक्स के बराबर। तो वी तो ऑलरेडी पता है, अब डीवी बाय डीएक्स निकाल लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई कर सके। तो देखिए, डीवी बाय डीएक्स आ जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट के बराबर। तो यहां से एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आ गई, तो वो आ जाएगी देखिए माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट होल मल्टीप्लाइड बाय माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट के बराबर। तो यहां से देखिए, हमारे पास एक्सेलरेशन की फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, एक्सेलरेशन बराबर हमारे पास आ गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आया है हमारे पास, तो ये जो इक्वेशन आई है ये बेसिकली किस फॉर्म की है, तो ये वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट की है, जहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो स्लोप है वो बेसिकली क्या है, तो वो वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर है, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। और जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना है, वो है माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, जो कि ऑब्वियसली कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है ये बात। तो इस वजह से बच्चों, हम लोग यहां पर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बना रहे हैं, है ना। यहां पर ये वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, ये है माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। और यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका जो स्लोप है ना, लेट अस से कि ये जो एंगल है ना, वो लेट अस से कि थीटा नॉट है। तो हम लोग यहां पर टैन ऑफ थीटा नॉट को कितना कह सकते हैं, तो टैन थीटा नॉट हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, जो कि क्या है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। क्लियर है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलरेशन ए वर्सेस टाइम टी इज शोन इन द फिगर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द इंस्टेंट। और हमारे पास चार ऑप्शन है, टी वन, टी टू, टी थ्री और टी फोर। तो देखिए बच्चों, इस ग्राफ में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे, है ना, टी फोर टाइम तक हम लोग देख पा रहे हैं
कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव ही है ना। सिर्फ हम लोग देख पा रहे हैं कि टी टू टाइम पर और टी फोर टाइम पर जस्ट एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो हुआ, वो भी एक इंस्टेंट के लिए। बाकी हर समय हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि वेलोसिटी लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि टी फोर टाइम पर क्या हो चुका होगा, टी फोर टाइम पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा एरिया अंडर द ग्राफ आएगा, है ना। अगर आप टी फोर टाइम तक देखें तो आपको ये पूरा का पूरा एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा, क्लियर है। अगर आप टी थ्री टाइम तक देखेंगे, है ना, अगर आप टी थ्री टाइम तक देखेंगे तो सिर्फ आप कितना एरिया इंक्लूड करेंगे, आप सिर्फ इतना एरिया इंक्लूड करेंगे। अगर आप टी टू टाइम तक देखेंगे तो सिर्फ इतना एरिया इंक्लूड करेंगे, और अगर टी वन टाइम तक देखेंगे तो सिर्फ इतना एरिया इंक्लूड करेंगे। तो ऑब्वियसली कहां तक का एरिया सबसे ज्यादा है, तो टी फोर तक का एरिया सबसे ज्यादा है, जो कि ये पूरा का पूरा आएगा। तो इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम कब होगी, टी फोर पर, है ना, क्योंकि तब तक हम लोग देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ वेलोसिटी हर मोमेंट पर एड अप होती ही जा रही है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू रेस्ट एट पॉइंट बी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस डी। इट मूव्स ओवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस विथ एन एक्सेलरेशन अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फॉर द रिमाइंडर विथ रिटार्डेशन बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो शुरुआत में रेस्ट से शुरू करता है, पॉइंट ए से, क्लियर ये बात, और उसका एक्सेलरेशन कितना है शुरुआत में, अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो उसकी डेस्टिनेशन बी है वहां तक की दूरी जो है वो टोटल डी है। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस को उसने कैसे ट्रेवल किया, अल्फा एक्सेलरेशन के साथ, और उसके बाद जो बाकी की दूरी थी वो उसने ट्रेवल करी बीटा रिटार्डेशन के साथ, मतलब एक्सेलरेशन बीटा था लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है। हमसे पूछा गया है कि कितना समय लगा उसे ये जर्नी कंप्लीट करने में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस मोशन के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि मान लीजिए कि टी नॉट टाइम तक उसका एक्सेलरेशन अल्फा था, ठीक है, और उसके बाद उसका रिटार्डेशन हो गया बीटा, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस बीटा कहेंगे, क्लियर है। तो यहां पर टी नॉट टाइम तक मान लेते हैं कि वो पहले एक्सेलरेट करा फिर रिटार्ड करा, ठीक है, और चूंकि दोनों ही समय पर एक्सेलरेशन जो क्या है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसलिए वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि टी नॉट टाइम पर उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, वी नॉट हो गई, जो कि ऑब्वियस है, मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो इस ग्राफ के हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, सबसे पहले कि टैन थीटा वन की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा होगी, क्लियर है, और टैन ऑफ थीटा टू की वैल्यू जो है वो होगी बीटा, है ना, क्योंकि हमारे को ये पता है कि ये वाले एंगल है ना, ये वाले एंगल का अगर हम लोग टैन लेंगे तो वो माइनस बीटा आएगा, तो जो बचा हुआ एंगल है उसके अगर हम लोग टैन लेंगे तो वो बीटा आ जाएगा, क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, और यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि चूंकि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है तो आप इसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं या फिर स्पीड भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो जो एरिया अंडर द ग्राफ है ओवरऑल, वो हमारे को डिस्टेंस ट्रैवल दे देगा, ठीक है, और हमारे को पता है कि ओवरऑल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, तो वो डी ट्रैवल हुआ। तो यहां पर हम लोग एक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, तो बेस जो है वो हो जाएगा टी के बराबर, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट हो जाएगी वी नॉट, तो ये डी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो अल्फा है ना, जो अल्फा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, टैन थीटा वन, और इस ग्राफ से टैन थीटा वन कितना आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा वी नॉट अपॉन बेस कितना है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां तक की जो दूरी है वो टी नॉट है, क्लियर है ये बात, तो यहां पर लिखेंगे टी नॉट। इसी तरीके से बीटा है ना, जो कि टैन थीटा टू है, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वी नॉट अपॉन कितना यहां पर टाइम है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये इंटरवल टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, क्लियर है ना, क्योंकि ये टाइम की एक्सिस है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का एरिया, और जो डी माइनस एक्स डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, क्लियर है। तो ये एरिया एक्स है और ये एरिया डी माइनस एक्स है, लेकिन यहां पर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टाइम की एक्सिस है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग यहां पर देखें, है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है ना, इस एक्सिस पे
हम लोग कितना कह रहे हैं, टी नॉट कह रहे हैं, और साथ ही साथ यहां से लेकर के यहां तक की जो बची हुई दूरी है ना, ये चूंकि टाइम की एक्सिस पे, तो इसे क्या कहेंगे, टी माइनस टी नॉट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग एक और काम कर सकते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टी नॉट कितना आ जाएगा, तो टी नॉट आ जाएगा वी नॉट अपॉन अल्फा, और इस वाली इक्वेशन से टी माइनस टी नॉट कितना आ जाएगा, तो टी माइनस टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अपॉन बीटा। क्लियर है। अब अगर बच्चों हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, है ना, तो टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट कितना रह जाएगा, तो वो टी आ जाएगा, तो टी कितना आ गया, वी नॉट अपॉन अल्फा प्लस वी नॉट अपॉन बीटा। क्लियर है। तो यहां से देखिए हमारे पास वी नॉट कितना आ गया, तो वी नॉट आ जाएगा अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए बच्चों अब हमारे को क्या करना चाहिए, ये जो वी नॉट की वैल्यू आई है उसे उठा करके जो है यहां पर पुट कर देना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू टी इंटू अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डी के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर आ जाएगा, देखिए कितने के बराबर, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू डी अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से देखिए बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय डी, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, है ना, ये टोटल टाइम लगेगा उसे डी डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इनिशियल वेलोसिटी यू एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एफ, इफ द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ एंड टी प्लस वनथ सेकेंड्स इज 100 सेंटीमीटर, देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड्स इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इन डैश। तो यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि यहां पर जो मोशन है वो कैसा है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर है ये बात। और जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों यहां पर जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का, वो कुछ ऐसा बनना चाहिए ना, टी इक्वल टू जीरो पर हमारे को क्या दे रखा है कि जो वेलोसिटी है वो यू है। क्लियर ये बात। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है यहां पर, है ना, तो इसका एंगल मान लीजिए कि टाइम के एक्सिस के साथ थीटा है, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि टैन थीटा बेसिकली कितना होगा, एफ के बराबर आएगा। क्लियर है। तो देखिए बच्चों जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं टीएथ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना रहे हैं तो टी माइनस वन से टी सेकेंड तक का जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है, तो वो बेसिकली हमारे को किसकी जानकारी दे रहा है कि टीएथ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। क्लियर है। और इसी तरीके से टी प्लस वनथ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, इसकी जानकारी हमारे को कौन दे रहा है, टी प्लस वन और टी टाइम के बीच का जो एरिया अंडर द ग्राफ है, मतलब कि ये वाला ग्राफ का एरिया। ठीक है, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इन दोनों एरियाज का सम हमारे को कितना दे रखा है, इन दोनों एरियाज का सम जो है हमारे को दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों बड़े आराम से हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि टी माइनस वन सेकेंड पे हम लोग समझ सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो टी माइनस वन सेकेंड पे वेलोसिटी हो जाएगी यू प्लस एफ इंटू टी माइनस वन। उसी तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी बच्चों यू प्लस एफ इंटू टी, मैं वी बराबर यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, और टी प्लस वन टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी यू प्लस एफ प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टी के बराबर। क्लियर है। तो देखिए बच्चों यहां पर जो हमारे को ट्रेपीजियम मिला है इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरल साइड्स, तो पैरल साइड्स का सम कितना हो गया, तो एक साइड हो गई यू प्लस एफ इंटू टी माइनस वन। ठीक है, और इसमें क्या ऐड करेंगे, यू प्लस एफ इंटू टी प्लस वन, है ना, तो दूसरी पैरल साइड तो ये रही। ठीक है, तो ये तो आया बच्चों सम ऑफ पैरल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो हम लोग यहां पर क्या समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि टू सेकेंड के बराबर आएगी, है ना, क्योंकि टी माइनस वन और टी प्लस वन में कितनी दूरी है, तो टू सेकेंड की है। ठीक है, तो इन टू क्या कर देंगे, टू कर देंगे, और ये सवाल के हिसाब से कितना आना चाहिए, 100 सेंटीमीटर के बराबर आना चाहिए, तो 2 से 2 देखिए यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा, u प्लस यू, तो ये 2u हो गया, प्लस ft प्लस ft, मतलब ये 2 टाइम्स ft हो गया,
फिर माइनस एफ प्लस एफ, तो ये तो गायब हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 के बराबर। क्लियर ही बात। तो यहां से देखिए क्या आ गया, 2 टाइम्स यू प्लस एफ टी इज इक्वल टू आ गया 100। क्लियर है ना। अब यहां पर देखिए बच्चों, यू प्लस एफ टी जो है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 50, और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि सेंटीमीटर में सब कुछ दे रखा है ना। तो यू प्लस एफ टी जो है वो बेसिकली क्या हो गया, वो हो गया वेलोसिटी एट टाइम टी, और यही तो हमारे को देखिए चाहिए था। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी शोन इन द फिगर। नोइंग दैट एक्स इज इक्वल टू -16 मीटर एट टी इक्वल टू 0, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रही है, वो हमारे को ग्राफ के थ्रू शो कर दिया गया है। साथ ही साथ हमें ये भी बता दिया गया है कि जो इनिशियल कोऑर्डिनेट था पार्टिकल का, दैट इज एट टी इक्वल टू 0, वो था -16 मीटर। क्लियर है बात। अब हमसे ये बोला गया है कि किन टाइम्स पर ये जो पार्टिकल है ना, उसकी दूरी ओरिजिन से 50 मीटर है। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, हमारे को ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस बनाऊं, ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर एक्स एक्सिस बनाया और यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि पार्टिकल की इनिशियल लोकेशन क्या थी, -16 मीटर थी, ठीक है, तो हम लोग यहां पर बड़े आराम से समझ पा रहे हैं कि किन केसेस में, है ना, किन केसेस में ऐसा होगा कि पार्टिकल जो है वो 50 मीटर दूर रहे ओरिजिन के। या तो पार्टिकल कहां पर चला जाए, या तो पार्टिकल 50+50 पर चला जाए, या तो पार्टिकल कहां चला जाए, पार्टिकल चला जाए -50 मीटर्स पर, ठीक है, तब हम लोग समझ सकते हैं कि वो ओरिजिन से कितना दूर पाया जाएगा, 50 मीटर्स। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, जब पार्टिकल जो है वो +50 मीटर पर रहेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर मैं टी इक्वल टू 0 से डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो कितना आएगा उस केस में, तो वो आ जाएगा 66 मीटर्स का। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसा हो कि पार्टिकल जो है वो -50 पर पाया जा रहा है, तो हम लोग इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे, तो हम लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे कि वो हो जाएगा -50 -16, है ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है बात। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, -50+16। क्लियर है ये बात। तो ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों आएगा -34 मीटर्स का। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, हमारे को ऐसे मोमेंट्स देखने हैं जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा हो, या तो -34 मीटर्स हो रहा हो, या तो 66 मीटर्स हो रहा हो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे को ये जानकारी है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं यहां पर। तो देखिए बच्चों, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हमारे को, है ना, हमारे को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी चाहिए, -34 मीटर चाहिए या फिर 66 मीटर चाहिए। क्लियर ही बात। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतने का होगा, क्लियर है ये बात, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो 24 सेकेंड तक पॉजिटिव रही थी। क्लियर है। तो जैसे मैं अगर 9 सेकेंड तक का एरिया अंडर द ग्राफ निकालू, तो ये कितना आ जाएगा, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 9 × 2 ये आ जाएगा 18। क्लियर है। तो अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं कि पार्टिकल शुरुआत में कहां पर था, तो पार्टिकल जो है ना, शुरुआत में -16 पर था ना, एक्स इनिशियल क्या था, -16 था। तो यहां पर एरिया अंडर द कर्व 18 आने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल अब कहां पर पहुंच गया होगा, तो पार्टिकल अब पहुंच गया होगा एक्स इज इक्वल टू 2 पर। क्लियर है बात। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक ट्रेपीजियम एक्स्ट्रा आ रहा है, उसका एरिया चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि 2+6 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 9 और 15 के बीच में दूरी है 6 की। क्लियर है बात। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 मीटर्स का। क्लियर है बात। तो हमने ये देखा था कि t
टी इक्वल टू नाइन तक पार्टिकल कहाँ पहुंच चुका था, तो टी इक्वल टू नाइन तक हम लोग देख पा रहे थे पार्टिकल पहुंच चुका था एक्स इज इक्वल टू टू तक, क्लियर है ना। और उसके बाद वो और कितना एक्स्ट्रा चल गया, 24 मीटर्स। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अभी जो लोकेशन है पार्टिकल की एट टी इक्वल टू 15 वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 26 मीटर्स। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूं, क्लियर है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो वो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, तो देखिए वो तो 9 है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है, तो वो 6 है, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 मीटर्स, क्लियर है ये बात। तो बच्चों आप ऐसे देख सकते हैं यहां पर कि टी इक्वल टू 24 पे, है ना, टी इक्वल टू 24 पे वो कहां पहुंच गया होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल कितने का हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 18 प्लस 24 प्लस 27 का। चलिए इसे ऐड करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है, तो 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, 11 और 8 हो जाएगा 19, है ना। तो 1 इधर गया, तो ये कितना हो गया 69, है ना। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि 15 और 24 के बीच में कोई ना कोई ऐसी लोकेशन आई होगी जहां पर डिस्प्लेसमेंट 66 मीटर का हुआ होगा, है ना, क्योंकि 24 सेकंड तक हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 69 का हो जा रहा है ना। और हम लोग ये जानते हैं कि जैसे ही, है ना, डिस्प्लेसमेंट 66 मीटर का आएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, तो उस मोमेंट पर जो पार्टिकल है उसकी दूरी ओरिजिन से कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब 15 और 24 के बीच में कोई ऐसी लोकेशन होगी जहां पर क्या हो रहा होगा, जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा 66 मीटर का, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये देख लिया है कि 24 सेकंड तक जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 69, और हमें कितना चाहिए था, 66। तो मान लेते हैं कि ये टाइम वो टी टाइम है जहां पर, है ना, डिस्प्लेसमेंट 66 मीटर का हो चुका है जहां तक। तो उसके लिए जरूरी है कि ये वाला एरिया जो है कितना आना चाहिए, 3 मीटर्स आना चाहिए, तभी तो इस टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा, 66 मीटर्स का आएगा, क्लियर है। तो अब देखिए बच्चों, मैंने क्या करा, मैंने यहां पर ये जो ट्राइंगल ए बी सी जिसे मैंने नाम दिया है उसको मैंने यहां पर अलग से दिखाया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बी सी है वो 9 है, ए बी जो है वो 6 है, क्लियर ही बात। और हम लोग चाहते हैं कि टी टाइम तक का एरिया जो है वो कितना है, 66 मीटर आए। तो उसके लिए ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आ रहा है उसका एरिया कितना होना चाहिए, उसका एरिया जो है ना, एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो कितने के बराबर आना चाहिए, तो वो 3 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर सिमिलैरिटी यूज कर सकते हैं, क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि 6 अपॉन ये वाली हाइट को मैं फिलहाल h कह दे रहा हूं, तो 6 अपॉन h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 9 अपॉन 24 माइनस t। तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये 24 माइनस t क्यों आया, क्योंकि यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली कितने का है, 24 माइनस t का है, है ना। t मैंने वो टाइम चुना है जब तक, है ना, जब तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाए, 66 मीटर आ जाए, क्लियर है बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है h और t में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, h कितना आ जा रहा है, h बराबर आ जा रहा है 6 इंटू 24 माइनस टी अपॉन 9, है ना, 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, तो ये बेसिकली हो जा रहा है ट्वाइस ऑफ 24 माइनस टी अपॉन 3 के बराबर, क्लियर है। अब हमें एरिया जो चाहिए इस ट्राइंगल का वो कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हाफ इंटू, है ना, बेस हो गया 24 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी आ गई, तो वो आ गई ट्वाइस ऑफ 24 माइनस टी अपॉन 3, है ना, ये कितने के बराबर आना चाहिए, तो ये 3 के बराबर आना चाहिए, क्लियर है ये बात। तो देखिए 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 24 माइनस टी जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो वो 3 के बराबर आ जाएगा। तो t यहां पर कितना आ गया, तो देखिए वो आ जाएगा 21 सेकंड्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई 21 सेकंड्स, है ना। तो मतलब हम लोग ये समझ पा रहे हैं बच्चों कि यहां से लेकर के यहां तक की जो ड्यूरेशन है ना, वो बेसिकली कितनी है, तो वो है 3 सेकंड्स की, है ना। इससे बच्चों एक फायदा और हो जाएगा, वो ये है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, है ना, ये जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं, तो 24 सेकंड के अबाउट जो है हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है।
तो एक टाइम तो हमारे को मिल गया है ना, 21 सेकेंड पर तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस होगी उसकी ओरिजिन से वो 50 मीटर होगी। लेकिन अगर आप ये भी देखिए कि अगर यहां से वो 3 सेकेंड और की बात करें ना, मतलब कि 27 सेकेंड की हम लोग बात करें, 27 सेकेंड की, तो उस समय क्या हो रहा होगा कि ये वाला एरिया जो है ना, हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये एरिया भी मैग्नीट्यूड वाइज कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये एरिया भी मैग्नीट्यूड वाइज है ना 3 के ही बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो उससे फायदा ये हो गया बच्चों कि 21 से 24 तक उसने जितना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है ना, उसने जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिया उतना ही वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड के बाद और कर लेगा। तो वापस हम लोग समझ पा रहे हैं कि 27 सेकेंड पर फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, 27 सेकेंड पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि फिर से है ना जो उसकी पोजिशन है वो ऐसी हो जाएगी सच दैट कि वो ओरिजिन से 50 मीटर की दूरी पर हो। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि 21 सेकेंड एंड 27 सेकेंड है ना, ये दो ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब पार्टिकल की पोजिशन क्या हो जा रही है, एक्स इज इक्वल टू है ना, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 50 मीटर्स हो जा रहा है। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग क्या देखते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग ये देखते जा रहे हैं कि अब जो है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना और होता जा रहा है। क्लियर है? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कैसी है, इसके बाद नेगेटिव ही है। क्लियर है? तो एक मौका और हमारे को मिल सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी और है ना, कि ये जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से 50 मीटर की दूरी पर हो, और ऐसा कब हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, -34 मीटर का आ जाए ओवरऑल। ठीक है? तो देखिए बच्चों, हमारे को ये याद है ना कि जो ऊपर है ना, जो टाइम की एक्सेस के ऊपर का जो एरिया था वो था 69 मीटर। क्लियर है ये बात? तो अब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि चूंकि नीचे का एरिया जो है ना, उसको हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना है, तो एक ऐसा टाइम आ सकता है जब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, -34 मीटर हो जाए। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो गया बच्चों, तो 24 और 33 के बीच में हम लोग समझ पा रहे हैं कि 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हाइट तो ये हो जाएगा 6, तो ये कितना आ गया, तो ये देखिए 27 आ गया। ठीक है? लेकिन देखिए बच्चों, ये जो एरिया है ये टाइम की एक्सिस के नीचे आ रहा है, इसीलिए हमारे को डिस्प्लेसमेंट कितना लेना पड़ेगा, -27। तो टिल टी इक्वल टू 33 सेकेंड हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितने का आ जा रहा है, 69 -27 का, मतलब कि ये कितना हो गया, तो ये हो गया 9 -7 2 और 6 -2 4, मतलब अभी तक 42 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। हम लोग चाहते हैं कि -34 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है? तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि टिल टी इक्वल टू 33 सेकेंड हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा एक्स कितने का आ रहा है, 42 मीटर का आ रहा है, पर चूंकि वेलोसिटी नेगेटिव है तो अभी और स्कोप है वेलोसिटी की के नेगेटिव होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट और भी क्या होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और भी जो है कम होता जाएगा। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अभी तक 42 मीटर का हुआ है। ठीक है? हम लोग चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितने का हो जाए, -34 मीटर का हो जाए, तो हमें और एरिया कितना चाहिए, तो हमें और जो है नेगेटिव एरिया कितना चाहिए, वो हम लोग निकाल सकते हैं एज 42 + 34। क्लियर है ये बात? तभी तो 42 से घट करके 0, फिर 0 से घट करके -34 पर जाएगा, तो ओवरऑल हम लोग नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कितने का चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 76 का। क्लियर है ये बात? तो बच्चों एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो टाइम इंटरवल है ना, लेट अस से कि ये कितना है, टी नॉट है। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर ये समझ सकते हैं कि अगर ये टी नॉट है तो ये वाला एरिया जो है ना, हमें कितना चाहिए, 76 चाहिए। क्लियर है ये बात? तो हम लोग क्या लिख देंगे, टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 6, दिस शुड बी इक्वल टू 76, राइट? तो टी नॉट यहां से कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 76/6 के बराबर। ठीक है? तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि अगला समय कौन सा आएगा जब इस पार्टिकल की दूरी ओरिजिन से फिर से 50 मीटर हो जाएगी, तो वो तब होगी जब ये जो पार्टिकल है वो कहां पर पहुंचेगा, -50 मीटर पर पहुंचेगा, और उसके लिए उसे कितना समय लगेगा, तो 33 + t0 है ना, तो वो जो t3 आ रहा है हमारे पास, मतलब तीसरा ऐसा मौका जब उसकी दूरी ओरिजिन से 50 मीटर की हो, तो वो कब आएगा, तो वो आएगा 33 + t0 पर। क्लियर है? तो वो कितना हो जा रहा है, 33 + 76/6 के बराबर।
तो ये बच्चों आ जाएगा 45.67 सेकेंड पर, ठीक है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि एट टी इक्वल टू 45.67 सेकेंड क्या होगा, पार्टिकल जो है वो एक्स इक्वल टू -50 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आखिरी मोमेंट होगा जब पार्टिकल जो है वो कहां पर है, ओरिजिन से 50 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद क्या होगा, दूरी जो है वो लगातार बढ़ती ही जाएगी, क्लियर है, और पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि तीन आंसर्स आ रहे हैं, मतलब कि एक हो जाएगा 21 सेकंड पर, एक हो जाएगा 27 सेकंड पर और एक हो जाएगा 45.67 सेकंड पर, है ना। इन तीनों लोकेशन पर पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से 50 मीटर की दूरी पर होगा, क्लियर है ये बात। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।